गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 9 इन जीके, दैट इज नेचर्स फ्यूरी। नेचर्स फ्यूरी मींस नेचर का गुस्सा। मींस यू मस्ट हैव नोटिस्ड, न्यूज़ में भी हम लोगों ने कितनी बार देखा है ना स्टूडेंट्स, कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है। व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक व्हाट हैपेंस, बहुत बड़े एरिए में इतना सारा नुकसान होता है ना, और फ्लड आ जाता है। फ्लड मींस पूरे एरिया में पानी भर जाता है, घर बह जाते हैं, है ना, सब लोगों का बहुत नुकसान होता है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ नेचर्स फ्यूरी, नेचुरल अटैक होता है ना, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो इसको एक तरह से नेचर्स फ्यूरी कहा गया है। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन और उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। सी द फर्स्ट वन, द ग्राउंड शेक्स ड्यूरिंग, ऑप्शंस क्या है, अ फ्लड, एन अर्थक्वेक, अ साइक्लोन। जमीन कब हिलती हुई पता चलती है, जब अर्थक्वेक आता है ना। सो व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक द ग्राउंड शेक्स। Come to the next one, the second one. Which of these are names of storms? यहाँ पर भी तीन options दिए हुए हैं, so you have to say कि तीनों में से storms के क्या क्या नाम होते हैं। The first one is hurricane, this is also a storm. Second one is cyclone, ये भी एक storm होता है. The third one is typhoon, this is also a cyclone. So students, all these three names are of storms. In teenon ke name, ye teenon names kiske hain, storms ke name hain. Come to the third one, a tsunami is a huge wave, earthquake, storm. Tsunami kya hai, ek bahut hi huge wave hai. Samundar mein you see the waves, बट सुनामी क्या है, बहुत ही बड़ी सी, बहुत ऊंची, जो नुकसान दे जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ सुनामी। ओके, सो अ ह्यूज वेव इज़ कॉल्ड अ सुनामी। कम टू द फोर्थ वन, हैवी रेन मे कॉज, जब बहुत हैवी रेन होता है तो क्या होता है, क्या नुकसान होते हैं, देयर इज़ अ लैंडस्लाइड, फ्लड्स, साइक्लोन्स, क्या होता है। When there is a heavy rain, landslides आ जाते हैं and floods हो जाता है. Okay? Come to the fifth one. Less than usual rain causes, जब बहुत ही कम rain होती है, ज़रूरत से भी कम, तब क्या होता है, flash floods, tornadoes, droughts. Droughts होता है, droughts means सूखा पड़ जाता है। ओके, बहुत बार हम लोगों ने न्यूज़ में एंड पिक्चर्स में भी आपने देखा है कि फार्मर्स कितने परेशान हो जाते हैं जब रेन नहीं होती है, तो उनकी ज़मीन बिल्कुल ड्राई होती है। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ ड्राउट। कम टू द सिक्स्थ वन, व्हाट काइंड ऑफ डिज़ास्टर इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे कम डिज़ास्टर कौन सा देखा गया है, साइक्लोन, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। इट इज़ वोल्केनिक इरप्शन, इंडिया में सबसे कम वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ओके, वोल्केनिक इरप्शंस में क्या होता है, माउंटेन के अंदर से, वोल्केनो के अंदर से लावा निकल आता है ना, तो ये जो डिज़ास्टर है ये इंडिया में सबसे कम एक्सपेक्टेड होता है, सबसे कम पाया जाता है। कम टू द सेवेंथ वन, अ फ्लैश फ्लड मे कम आफ्टर अ, फ्लैश फ्लड कब आता है, लेट अस सी द ऑप्शंस, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और डैम ब्रेक। इट इज़ बाय ऑल दीज थ्री, ये तीनों की वजह से फ्लैश फ्लड आता है। जब लैंडस्लाइड आता है तब भी फ्लैश फ्लड होता है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है, आसमान फटता है, तब भी फ्लैश फ्लड होता है, डैम ब्रेक होता है। ओके, डैम बनाया जाता है, कितने बड़े, कितना डैम में कितना
ज़्यादा वाटर होता है ना, दे स्टोर वाटर, जब डैम ब्रेक हो जाता है तब भी फ्लैश फ्लड आ जाता है. कम टू द एथ वन, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज एट रिस्क फ्रॉम एवलेंचेज. एवलेंचेज इज स्नोफॉल. ओके, कश्मीर जो है वो इस स्नो स्लाइड से सबसे ज़्यादा रिस्क पर है. स्नो जब स्लाइड्स होती हैं, यू हैव सीन इन मूवीज ऑल्सो स्नो किस तरह गिरती हुई आती है ना, उसको कहते हैं एवलेंचेस. ओके, कम टू द नाइन्थ वन, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म यू आर सेफेस्ट फ्रॉम लाइटनिंग. जब थंडर स्टॉर्म होता है और लाइटनिंग होती, जब बिजली कड़कती, तब हम लोग कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं? इट इज़ अंडर अ ट्री और इनसाइड अ कार और इन अ फील्ड. हम लोग कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ होंगे? वी विल बी सेफ इनसाइड अ कार. कम टू द टेंथ वन, विच ऑफ दीज कैन प्रोड्यूस द फास्टेस्ट विंड्स. इन तीनों में से देर आर थ्री ऑप्शंस, सुनामी, एवलेंच और टोनेडो. तीनों में से फास्टेस्ट विंड्स, बहुत तेज विंड किस में चलती है? इट इज़ इन टोनेडो. कम टू द इलेवेंथ वन, इलेवेंथ क्वेश्चन, इंडोर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड. जब अर्थक्वेक आता है और हम जब घर के अंदर होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? सी, गो अंडर अ टेबल, हेड फॉर द लिफ्ट, लाई फ्लैट ऑन द फ्लोर. हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है और जब हम घर के अंदर होते हैं? वी शुड गो अंडर अ टेबल, हमें टेबल के नीचे चले जाना चाहिए. ओके, अदरवाइज हेड फॉर द लिफ्ट वो भी रिस्की होगा, लाई फ्लैट ऑन द फ्लोर दैट विल ऑल्सो बी रिस्की. ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जस्ट बिफोर सुनामी, जस्ट बिफोर सुनामी क्या सिम्टम्स दिखते हैं हमें? सी, देर आर थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज देर मे बी एन अर्थक्वेक, बी देर मे बी अ फ्लड, सी द सी मे मूव अवे फ्रॉम द शोर. सुनामी से पहले हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं कि सुनामी आ सकती है? क्या होता है वहाँ? अर्थक्वेक आ सकता है सुनामी से पहले, या नंबर सी, द सी मे मूव अवे फ्रॉम द शोर, शोर से बहुत आगे तक सी का वाटर आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द नेचर्स फ्यूरी. किस तरह इतना ज़्यादा डिज़ास्टर दिखाता है ना नेचर, सो दे हैव डिफरेंट नेम्स.